तो चूंकि बहुत अच्छा टोटल डाला था भाई, और इतना अच्छा टोटल फिर मुश्किल था। आगाज बहुत अच्छा मिल गया, 7-8 ओवर के आसपास 10 रन को 11 रन को मैच कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 12-13 12-13 की रन रेट आगे चाहिए था। और जैसे ही एक दो विकेट गिरी है, सूर्य कुमार यादव या तो 100 या 50 या कुछ भी नहीं। ठीक है, 18 रन से आ रहे हैं, लेकिन इसमें ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ईशन किशन, मेन कल्प्रिट, वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स इज ईशन किशन। उसने जानबूझ के 16-17 बॉलों में 14-15 रन, यार इतना जुलम, इतना जुलम! आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप क्रिकेट के साथ मजाक कर रहे हैं? हार्दिक पांड्या बॉलिंग में घटिया, बैटिंग में घटिया, कप्तानी में घटिया। सूर्य कुमार यादव यार T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, तेरी वो सीरियसनेस ही नहीं आ रही। ईशन किशन वो तो लगता है इंडिया के लिए खेलना ही नहीं चाह रहा, ही डजंट वांट टू प्ले फॉर इंडिया। आरसीबी इस दफा हारी तो मैं 50,000 रुपया इनाम दूंगा, और इस दफा जो है बहुत बुरी तरह धोनी को, सीएसके को शिकस्त होगी, दावा है मेरा। तो विराट कोहली से ज्यादा जवान तो धोनी लग रहा है। बड़े दिनों के बाद रोहित शर्मा के बैट से कोई पारी देखी, धमाकेदार कह सकते हैं। बहुत ही ठंडा मौसम चल रहा था इस मामले में, लेकिन कल हमने 3 छक्के 10 चौके 68 रन देखे, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस हार गई, क्योंकि पांचवें नंबर पर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो उनके पास था। निकोलस पूरन को मैच करने वाला खिलाड़ी नहीं था पांच नंबर पर। हार्दिक पांड्या जो थे पूरे आईपीएल में फ्लॉप, कप्तानी की तो क्या ही बात करें। हाँ, अकल ठिकाने जरूर आ गई होगी भाई कि लीजेंड खिलाड़ी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। तो आखिरकार मुंबई इंडियंस ने बॉटम ऑफ द टेबल पर फिनिश कर दिया, और आज आज है असली मुकाबला, फाइनल से पहले फाइनल कहा जा रहा है इसे। आरसीबी सीएसके, धोनी और विराट कोहली होंगे आमने सामने। चलिए देखते हैं कैसा माहौल है पाकिस्तान में, क्या कहता है पाकिस्तानी मीडिया और जनता। तो चूंकि बहुत अच्छा टोटल डाला था भाई, और इतना अच्छा टोटल फिर मुश्किल था। आगाज बहुत अच्छा मिल गया, 7-8 ओवर के आसपास 10 रन को 11 रन को मैच कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 12-13 की रन रेट आगे चाहिए था। और जैसे ही एक दो विकेट गिरी है, सूर्य कुमार यादव या तो 100 या 50 या कुछ भी नहीं। तो इसलिए अब मुंबई एट द बॉटम उन्होंने फिनिश किया है। और मोहसिन भाई का चूंकि घर का इंटरनेट नहीं है, जरा उधर गए हुए किसी होटल में लाहौर में, कल इनका लाहौर के अंदर से मैच है, तो इसलिए जैसा भी इंटरनेट है तो बस अब यही है। हाँ जी भाईजान, आपने फिर मेरी छोड़ी हुई टीम ली है, तो ये टीम धोखा देती है बार बार, मैंने आपको बोला था। देखिए भाई साहब, बैग शैग तैयार है, सुबह मैंने फटे चुक देने थे। चलो ठीक है, फटे चुक देने। तो मुंबई के लिए जी जनाबे आली, मुंबई ठीक ही थी, लेकिन थोड़ा हद तक इन्होंने मुकाबला किया, लेकिन निकोलस पूरन ने जो इम्पैक्ट डाला है उसको मैच ही नहीं कर पाए। और नाइस टू सी दैट सम सॉर्ट ऑफ विनिंग बाय रोहित शर्मा, क्योंकि काफी टाइम हो गया था रन्स नहीं आ रहे थे, आज जिस तरह से फिर थोड़े से रन्स आए हैं, मतलब ठीक रन्स आए हैं, 38 गेंदों पे 68, 180 के स्ट्राइक रेट से वैसे ही चाहिए थे। तो वैसा बीच में कोई सपोर्ट नहीं मिला, एंड पे जो सपोर्ट मिली मैच ऑलमोस्ट वैसे ही हाथ से निकल चुका था, जब आके वो नमन ने चौके छक्के मारे हैं तो तब तो ऑलमोस्ट वैसी छुट्टी हो चुकी थी। तो कोई खास है नहीं इस सीजन में आईपीएल में मुंबई इंडियन के लिए, दे फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार फ्रॉम लाहौर, द हार्ट ऑफ पंजाब, और गर्मी इज ऑन फायर, लेकिन हम चिल्ड माहौल में बैठे हैं। कोई 30 लोग आए हुए हैं अरिस्टा के, सारे माशाल्लाह, एंड दे ऑल आर एंजॉयिंग, और मजे से बैठे हुए हैं। लंबी ड्राइव 5 घंटे 6 घंटे लग गए, क्योंकि 34 मेंबर्स आए हैं अरिस्टा के, तो मैसिव पार्टिसिपेशन है। रिजवान साहब, मैं बीच बीच में सारा बीच में देखते 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 आया, साथ साथ ट्वीट्स भी करता रहा। देखें, केएल राहुल खेला, टिपिकल केएल राहुल वाली नहीं, ठीक है, 18 रन से आ रहे हैं, लेकिन इसमें ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ईशन किशन, मेन कल्प्रिट, वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स इज ईशन किशन। उसने जानबूझ के 16-17 बॉलों में 14-15 रन, यार इतना जुलम, इतना जुलम! आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप क्रिकेट के साथ मजाक कर रहे हैं? उसको 15 करोड़ पे दे के लिया, पूरा आईपीएल उसका फ्लैट गया। आज जो अच्छी बात है, खुशी की बात है, अब किसी के लिए नहीं है,
तो वो रोना शुरू कर दे, उसकी मर्जी है। जो रोहित शर्मा ने जो आज बैटिंग किया ना रिजवान साहब, फुल ऑफ अथॉरिटी, मजा आया, कमांडिंग नॉक था। ही वाज डैम बॉदर्ड अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, ही वाज प्लेइंग हिज शॉट्स, ही वाज स्कोरिंग रन्स, ही वाज लुकिंग पंप्ड अप, ही वाज लुकिंग कॉन्फिडेंट। रेन के इंटरवल से पहले बड़ा अच्छा कह रहे थे, रेन के बाद थोड़ा सा ठीक है, 53-54 का पावर प्ले आप 214 कर रहे हो, तो आई फील लाइक इट्स ओके सॉर्ट ऑफ अ पावर प्ले। बट उसके बाद जो इन्होंने गंद मारा है, सूर्य कुमार यादव, ब्रेवेस और वडेरा और हार्दिक पांड्या, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इंताई घटिया बैटिंग, इंताई थर्ड क्लास बैटिंग, इंताई कावट, बुजदलाना, बेवकूफाना, अहमकाना, थर्ड क्लास किस्म की अप्रोच। यानी इतना गुस्सा आ रहा था कि यार ये क्रिकेट मैच हो रहा है यार, या इट सीम्स लाइक वन टीम इज डेलिबरेटली कंज्यूमिंग डिलीवरीज, ईटिंग अप डिलीवरीज, no intent of no aggression, no intent of scoring runs, and all of a sudden Namandeer walks in and is smashing every bowler. Mohsin Khan ko 18-19 run, Naveen ul Haq ko thok raha hai, fulane ko thok raha hai, ye itni besharmi se Ishan Kishan khel raha hai. Aur main ek baat aaj zarur karunga ki Gavaskar sahab ke ji Rohit ko, Virat ko bade chances diye hain, और उसके बाद वो जो है धोनी ने उसको चांसेस, यार आपको भास्कर साहब मतलब बंदे को कभी तो बोलना चाहिए कि ये खेल रहा और कौन सी इनिंग खेल रहा है, ये बाकी जो बैटिंग कर रहे हैं कौन सी बैटिंग कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे। आप देखिए रिजवान साहब, अर्जुन तेंदुलकर पूरा सीजन बेंच रहा, लेकिन गावस्कर साहब या किसी ने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला कि यार इस बच्चे, वो अन्ना शेट्टी का दिमाग 37 बालों में 50 करता है, Nobody is bothered and they are least, वो जिसे कहते हैं ना जाओ जो मर्जी कर लो, ये हमारा बफर शेर है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर बेचारा नहीं खेला, पूरा सीजन नहीं खेला, हार्दिक पांड्या बॉलिंग में घटिया, बैटिंग में घटिया, कप्तानी में घटिया, सूर्य कुमार यादव यार T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, तेरी वो सीरियसनेस ही नहीं आ रही, ईशन किशन वो तो लगता है इंडिया के लिए खेलना ही नहीं चाह रहा, he doesn't want to play for India. तो सी एस के वर्सेज आर सी बी मैच टू वॉच, इट इज वेरी एक्साइटिंग मैच, मस्ट विन मैच, नंबर 18 के लिए 18 तारीख को मैच है। अच्छा जी, तो 38% सी एस के और 62% आर सी बी, बहुत मैसिव किस्म की सपोर्ट है आर सी बी के लिए दिस टाइम अराउंड। मैच में बारिश की जो हिसाब किताब है, काफी है, 7 बजे मैच शुरू होना है तो 34%, 34, 8 बजे भी 34%, 9 बजे 37, 10 बजे 47, 11 बजे 51%। तो जैसे जैसे टाइम आगे गुजर रहा है बारिश की शिद्दत ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन देखो तो इस आपको पता ही है दोस्तों, फिर बारिश वगैरह होती हो तो उस टीम का फायदा हो जाता है जो चेस कर रही हो। आरसीबी के मुझसे झूठी तारीफें नहीं हो रही, मैं तो सीएसके का फैन हूँ और इंशाल्लाह कल फाइनल से पहले फाइनल हम जीतेंगे, आरसीबी को शिकस्त दें। आरसीबी उसको मेरे ख्याल से इस दफा डिजर्व करना चाहिए क्योंकि पिछली 17 साल से हारती आ रही है। सर आरसीबी इस दफा हारी तो मैं 50,000 रुपया इनाम दूंगा, और इस दफा जो है बहुत बुरी तरह धोनी को सीएसके को शिकस्त होगी, दावा है मेरा। उसने मतलब एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं कोई रिग्रेट नहीं छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, तो उसका एक रिग्रेट ये है कि आईपीएल की ट्रॉफी उसके पास नहीं है, एक जो है वो T20 वर्ल्ड कप उसके पास नहीं है, ठीक है, तो मुझे लगता है इस साल में ना उसने दोनों रिग्रेट खत्म कर देने, उसके बाद हम याद ही करेंगे कि विराट कोहली था। मुझे जनरली बताऊं धोनी भी कहीं ना कहीं चाहता है कि यार विराट कोहली जो है वो टाइटल जीते, धोनी को पता है मैं 5 टाइटल ऑलरेडी जीता हुआ हूं, और वैसे ही वो बड़ा जेंटलमैन बंदा है, और कहीं ना कहीं शायद वो रिलैक्सेशन दे दे कि यार भाई विराट कोहली मेरे हाथों से प्लेयर निकला, 17 साल की स्ट्रगल है भाई, डिजर्व भी करता है वो विराट कोहली से ज्यादा जवान तो धोनी लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम सर, कल सीएसके वर्सेस आरसीबी लाइक फाइनल से पहले फाइनल होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि विराट कोहली सीएसके को हरा के हिस्ट्री बना पाएंगे? सर देखें, जिस तरह आरसीबी बिल्कुल नीचे से पॉइंट टेबल से उठ के भाई आज प्लेऑफ्स के लिए खेलने के लिए रेडी हो गई है, तो भाई वो किसी को नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल भूखे शेरों की तरह वो तैयार है, विराट कोहली अकेला बब्बर शेर है भाई, उसने किसी को नहीं छोड़ना, चाहे कल धोनी है चाहे दुनिया का कोई पेट क्यूमन भी आ जाता, भाई विराट कोहली नहीं छोड़ना था। कल के मैच में भाई रिकॉर्ड टूटेंगे, व्यूअरशिप के रिकॉर्ड टूटेंगे, और देख लेना कि कल आप 18वें ओवर की बात करते हो, देखना 15वें ओवर में चेस करते ना विराट कोहली के, अकेला वन साइडेड मैच खेलेगा और अकेला वन मैन आर्मी की तरह खेलेगा, बस एक चीज़ है कि बस बारिश ना हो। विराट कोहली को लेकर एक और बड़ी खबर छाई हुई है भाई कि उन्होंने
रिटायरमेंट का प्लान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो हेडिंग्स ही कुछ ऐसी हैं। उन्होंने कहा है कि वे रिटायरमेंट से पहले किसी तरह का कोई गम नहीं रखना चाहते, जब वो रिटायरमेंट लें तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों, ऐसा वो कुछ चाहते हैं। एनीवे, तो विराट कोहली से पूरी उम्मीद है भाई। MS धोनी को भी जैसा हमने कल डिस्कस किया, ऊपर के नंबर पर खेलना होगा ताकि इस मैच में मजा आए। आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।